ऑडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर एक, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक सोल्व करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें ज्ञात मूल ज्ञात करना है यदि अस्तित्व हो। तो समीकरण दिया है हम लोगों का 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसको हम लोग को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो हम लोग को 2 से भाग करना होगा या 2 से गुना करना होगा। चलिए हम लोग 2 से गुना करते हैं। दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं। 2 से गुना करने से 2x² - 7x + 3 = 0। इधर भी 2 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 2 से गुना कर, दोनों किया तो हो जाएगा 2 × 4 = 2×7 = 14x, 2 × 3 = 6, 2 × 0 = 0। अब पूर्ण वर्ग हम लोग के पास, हम लोग जानते हैं a+b² = a² + 2ab + b² और एक तो है पूर्ण वर्ग हम लोग के पास a·b² = a² - 2ab + b². अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, इसको हम लोग इस रूप में हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए ये जो है यहाँ पर माइनस है, तो ये इस रूप का है क्योंकि इसमें तो प्लस है, तो इसलिए ये इस रूप का है। इसको हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 × 2 - उसके बाद क्या लिखना होगा 2a अर्थात 2x × b। देखिए यहाँ पर 14 है, 14 × 2 = 7, तो 2 लिख दिया तो क्या बचा है 7। तो चूंकि एक्स्ट्रा 2 आया है इसलिए एक्स्ट्रा 2 से हम लोग को भाग करना होगा। तो हो गया हम लोग का 2a × b + b² लेकिन बी स्क्वायर नहीं है इसलिए हम लोग बी स्क्वायर को इधर जोड़ेंगे बाएं तरफ और दाहिने तरफ भी जोड़ेंगे। तो 7/2² = b² + 6, चूंकि हम लोग बायां तरफ जोड़ा है 7/2 का स्क्वायर तो दाहिने तरफ भी जोड़ेंगे 7/2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक a² - 2ab + b², a² - 2a × b + b² अर्थात a² - 2ab + b² मतलब होता है a − b² तो यहाँ से यहाँ तक ये सूत्र बन गया। तो हो जाएगा a − b² + 6 = 7 × 49 2 × 4। अब हो गया 2x − 7/2² = 49/4। इस 6 को उधर लेके जाइए, माइनस हो जाएगा
टू एक्स माइनस सेवन बाय टू का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए 49, इससे इसको गुना कर दीजिए 6 चौके 24 बटे 4, 2x माइनस सेवन बाय टू का होल स्क्वायर घटाओ कीजिए 49 में से 24, हो जाएगा 25 बटे 4। अब ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है तो इसका स्क्वायर प्लस में निकला, अर्थात क्या है, मूलों का अस्तित्व है। अगर ये माइनस में निकलता तो हम लोग बोलते हैं मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्लस में निकल गया, इसका वर्ग प्लस में निकल गया, इसलिए हम लोग बोले मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है, तो इसलिए हम लोग अभी मूल ज्ञात करेंगे। 2x माइनस सेवन बाय टू इसका होल स्क्वायर बराबर 25 बटे 4। अब इधर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, 2x माइनस सेवन बाय टू प्लस माइनस हो जाएगा रूट 25 बटे 4। अब इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब 2x माइनस सेवन बाय टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 बाय टू, 2x इज इक्वल टू, अब माइनस सेवन बाय टू को उधर लेके जाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 बाय टू प्लस माइनस 5 बाय टू। अब इसका एलसीएम लोसो, 2 और 2 का लोसो 2 ही होगा, ये होगा 7 प्लस माइनस 5। अब 2x बराबर, x बराबर हो जाएगा तब 7 प्लस माइनस 5 बटे 2, ये 2 इधर भाग हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 बटे 2 दुने 4। चलिए नेक्स्ट पेज निकालते हैं। तो x बराबर हम लोग का निकला था 7 प्लस माइनस 5 बाय 4। अब एक बार x का मान प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, अर्थात 7 प्लस 5 बटे 4, इसको जोड़ा जाए तो जगह 12 बटे 4, 4 को 4, 4 किया 12, x का मान 3। या एक बार माइनस किया जाए, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 बाई 4, 7 में से 5 घटाओ कीजिए 2 बटे 4, कैंसिल कीजिए 2 एक कम 2 तो दोनों 4, अर्थात 1 बाय 2। अतः मूल हो गया हम लोगों का, एक हो गया 3, दूसरा हो गया हम लोगों का मूल 1 बाय 2, इतना हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। आपका दिया गया इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो 2 से भाग करना होगा या 2 से दोनों तरफ गुणा करना होगा। चलिए 2 से गुणा करते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, दो से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, दो दोने 4 एक्स स्क्वायर, दो गुना एक्स 2x, दो चार 8, दो शून्य 0। अब हमारे पास दो पूर्ण वर्ग है, एक ठो हो गया
माइनस वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो प्लस है अर्थात प्लस वाला होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको इस रूप में लाते हैं, तो यह चार दो का वर्ग है ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए अर्थात टू एक्स, हमने एक्स्ट्रा दो गुना किए हैं तो एक्स्ट्रा दो से भाग करना होगा, तो क्या बचा है यहाँ पर एक बटे दो, क्योंकि दो नहीं था दो हम लोग गुना कर दिया इसे दो से भाग करना होगा, तो हो गया टू ए बी, ये हो गया बी, तो बी स्क्वायर तो नहीं है इसलिए हम लोग को दोनों तरफ जोड़ना होगा बायां तरफ भी दाहिना तरफ भी, इसलिए एक बटे दो मतलब बी स्क्वायर जोड़ दिए हम लोग इधर, फिर एक बटे दो दाहिना तरफ भी जोड़ेंगे दोनों तरफ जोड़ दिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आप पूर्ण वर्ग बन गया ए स्क्वायर प्लस टू प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात टू एक्स प्लस वन बाय टू इसका होल स्क्वायर माइनस एट बराबर एक एकम एक दो दूने चार, अब हो जाएगा टू एक्स प्लस वन बाय टू इसका होल स्क्वायर, इस एट को उधर लेके जाइए तो वन बाय फोर आठ माइनस आठ को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा टू एक्स प्लस वन बाय टू इसका होल स्क्वायर बराबर ये चार एक इसी वाला गुना हो जाएगा चार आठ बत्तीस, टू एक्स प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बत्तीस प्लस एक तैंतीस बटे चार। अब देखिए टू एक्स प्लस वन बाय टू का वर्ग प्लस है मतलब धनात्मक है पॉजिटिव है अर्थात ए इसका मूल का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। तो चलिए मूल निकालते हैं, तो हो जाएगा टू एक्स प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू तैंतीस बटे फोर, तो हो जाएगा टू एक्स प्लस वन बाय टू इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा रूट तैंतीस बटे फोर, तब टू एक्स प्लस टू एक्स बराबर इस वन बाई टू को उधर लिखे जाएंगे हम लोग तो माइनस हो जाएगा प्लस था माइनस हो जाएगा माइनस एक बटे दो प्लस माइनस रूट तैंतीस बटे चार चार का वर्गमूल दो, तब हो गया टू एक्स बराबर ये दोनों का लॉसो हो जाएगा दो, तो ये दो को दो से भाग देने पर एक एक से गुना कीजिए माइनस एक प्लस माइनस तैंतीस का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। यहाँ मैं क्या किया है नीचे चार जो था टू एक्स टू एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन बाय टू बराबर प्लस माइनस रूट तैंतीस बटे फोर था चार का वर्गमूल दो निकाला इसलिए हो गया माइनस वन बाय टू प्लस माइनस रूट तैंतीस बटे टू, अब टू एक्स बराबर माइनस वन प्लस माइनस रूट तैंतीस बटे टू, अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा ना ये दो उधर भाग हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट तैंतीस बटे ये दो एक ये दो उधर नीचे गुना हो जाएगा अर्थात भाग हो जाएगा ये माइनस वन प्लस माइनस रूट तैंतीस बटे दो दून चार, अतः मूल हो गया
माइनस वन, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो जब माइनस वन प्लस रूट 33 बटे 4, और दूसरा मूल हो जाएगा माइनस वन माइनस रूट 33 बटे 4, एक बार प्लस लिया है और एक बार माइनस, इतना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन दिया है हम लोग का 4x² + 4√3x + 3 = 0। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी पूर्ण वर्ग के रूप में है। देखिए कैसे इसको हम लोग a+b² = a² + 2ab + b² इस रूप में हम लोग चलिए तोड़ते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग के रूप में दिखाई देगा। देखिए ये 2 का वर्ग है, 2x का वर्ग है, ए स्क्वायर हो गया, फिर 2ab, 2a अर्थात 2x, 2x देखिए 2 × 2 = 4, क्या एक्स्ट्रा बच गया √3, तो हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा 2 × 2 = 4 √3x, अर्थात हो गया 2ab, बी यहाँ क्या है √3 है, √3 + √3² मतलब हो गया ये √3² मतलब 3। अब इसको अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये वाला आएगा, इसको गुना करेंगे तो ये वाला आएगा, इसको वर्ग करेंगे तो ये वाला आएगा, अर्थात ये पूर्ण वर्ग के रूप में ही है। तो हो जाएगा a² + 2ab + b² मतलब a + b² तो यहाँ हो जाएगा a² + 2ab + b² अर्थात a + b² = 0, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग धनात्मक है, मतलब ऋणात्मक नहीं आया, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है। चलिए तो मूल निकालते हैं, 2x + √3² = 0 है, 2x + √3 = 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, रूट करने पर 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो हो जाएगा आपका 2x = √3 को उधर लेके जाइए, प्लस माइनस हो जाएगा, तब ax हो जाएगा -√3, ये 2 उधर भाग हो जाएगा, अतः मूल हो जाएगा, मूल होगा -√3/2, और दूसरा मूल भी -√3/2। जब पूर्ण वर्ग बराबर 0 आ जाएगा, उसका 2 बराबर मूल होता है, अर्थात पहला मूल जितना होगा दूसरा मूल भी उतना ही होगा, अर्थात -√3/2 और -√3/2, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो समीकरण क्या दिया है, 2x² + ax + 4 = 0। चलिए इसको भी हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं दिया, यहाँ 2 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए 2 से गुना करने पर, 2 से दोनों तरफ गुना करने पर, 2 से गुना करेंगे तो 2 × 2 = 4 x² हो जाएगा, 2 × x 2x, 2 × 4 = 8, 2 × 0 = 0। अब सब प्लस में है, अर्थात सब पॉजिटिव है, अर्थात हो जाएगा a + b² हम लोग जानते हैं, a² + 2ab + b², तो चलिए इसको इस रूप में तोड़ते हैं,
तो ये किसका वर्ग है? ऑब्वियसली 2x का वर्ग है प्लस 2ab, 2 इंटू ए, क्योंकि हम लोग 2 से गुना किए एक्स्ट्रा 2 से, इसलिए 2 से भाग भी करना होगा, इसलिए 2 से भाग कर दिया, प्लस ये हो गया 2ab, तो b स्क्वायर जोड़ना होगा, b स्क्वायर तो नहीं है हम लोग के पास, तो इसको हम लोग जोड़ दिया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 बराबर, क्योंकि हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर बायां तरफ जोड़े हैं इसलिए दाहिने तरफ भी जोड़ना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा 2x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 8 ये वाला 8 बराबर 1 + 1 दो दूने 4। अब 2x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, इस 8 को उधर लेके चलते हैं बराबर के उस पार, तो प्लस था माइनस हो जाएगा प्लस 1/4, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 4, 4 × 8 = 32 प्लस 1, 2x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर ये प्लस है ये माइनस है घटाव हो जाएगा, घटाव कीजिए 32 में से 1 = 31/4। अब देखिए 32 और 1 में ये बड़ा है इसलिए माइनस वाला चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर इसका वर्ग माइनस है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये 0 से छोटा हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी वर्ग का, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वर्ग ऋणात्मक आ गया अर्थात कोई मूल नहीं है। अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर में जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन को हल करना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो क्वेश्चन दिया हुआ था एक नंबर 2x² - 7x + 3 = 0। तो यहाँ a दिया है हम लोगों का 2, b दिया है -7, c दिया है 3। यहाँ a बराबर 2 हो गया, b बराबर -7, c बराबर हो गया 3। अब हम लोग क्या निकालते हैं? d निकालते हैं, d अर्थात डिस्क्रिमिनेंट, विभक्तिकर। तो d बराबर हम लोग जानते हैं b² - 4ac बराबर, तो b का मान हो गया -7 इसका स्क्वायर, -4 इंटू ए
अर्थात 2 × c, 3 × 7 = 49, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। घटाव किया जाए 24 को 49 में से घटाव किया जाए 25। अब देखिए d का मान 25 निकल गया, धनात्मक निकल गया, अर्थात 2 भिन्न मूल है, मतलब 2 मूल अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। अगर d का मान माइनस निकलता, ऋणात्मक निकलता, तो हम लोग बोलते कि समीकरण के कोई मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तब हो जाएगा x बराबर, हम लोग जानते हैं माइनस डी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। चलिए मान बैठ जाते हैं, माइनस बी का मान -7 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान है आपका 25 बटे 2 × a, ए का मान हो गया आपका 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, 25 का वर्गमूल 5, क्योंकि 5 × 5 = 25 होता, इसलिए 25 का वर्गमूल 5 बटे 2 × 2 = 4। अब ax बराबर 7 + 5/4, जोड़ दीजिए 7 + 5 = 12/4, कैंसिल कीजिए 4 × 4, 4 × 3 = 12, अर्थात x बराबर 3। या एक बार माइनस मिलेंगे, ax बराबर 7 − 5/4, 7 में से 5 घटाव कर दीजिए 2/4, कैंसिल कीजिए 2 × 2, 2 × 2 = 4, अतः मूल हो गया 1 × 3, दूसरा मूल हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका आंसर। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण दिया है हम लोग का 2x² + ax − 4 = 0। यहाँ a बराबर 2, b बराबर x का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, c बराबर -4। तो d निकालते हैं, d बराबर हम लोग जानते हैं b² - 4, ऐसी b का मान क्या है हम लोगों का 1, इसका स्क्वायर माइनस 4, a अर्थात 2 × c अर्थात -4। यहाँ हो जाएगा 1 × 1 = 1, माइनस माइनस में प्लस, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, 32 + 1 = 33, क्योंकि d का मान धनात्मक निकला, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। ये d जो है 0 से बड़ा हो गया, अतः 2 भिन्न मूल हैं। यदि d का मान 0 हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं 2 बराबर मूल होंगे। तो x बराबर हम लोग जानते हैं -b + −√d/2a, माइनस b का मान 1 + −d का मान √33/2 × a, a का मान 2, माइनस 1 + −33 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, पॉइंट भी निकलेगा, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 × 2 = 4। तो हो गया ये x बराबर -1 + √33
बटे चार, या एक्स बराबर एक बार माइनस वन माइनस रूट तैंतीस बटे फोर। तो हम लोग के पास मूल हो गया, एक मूल हो गया माइनस वन प्लस रूट तैंतीस बटे चार, और दूसरा मूल हो गया माइनस वन माइनस रूट तैंतीस बटे फोर। इतना है, ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, हम लोग को क्वेश्चन दिया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a बराबर है हम लोग का x² का गुणांक अर्थात 4, b है हम लोग का x का गुणांक अर्थात 4√3, c हो गया हम लोग का 3। अब डी निकालिए, तो डी बराबर हम लोग जानते हैं d² माइनस 4ac। बी का मान क्या है, 4√3 इसका स्क्वायर माइनस 4 ए अर्थात 4 इंटू सी 3। इसको गुना कीजिए, वर्क कर दीजिए, 4 4 हो जाएगा 16 रूट थ्री थ्री। इसको गुना कर दीजिए, 4 4 16, 16 3 48, ये भी 16 3 48 माइनस 48, 48 में से 48 घटाव करने पर 0। जब डी बराबर 0 आ जाता है तो 2 बराबर मूल होता है, अतः 2 बराबर मूल है। अब एक्स बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। माइनस बी का मान हो गया 4√3 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान 0 बटे 2 इंटू ए, ए का मान 4, तो हो गया माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे 2 4 8। तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 4√3 बटे 8। कैंसिल किया जाए इसको, कैंसिल करने से 4 कम 4 4 2 8, तो मूल हो गया हम लोगों का माइनस रूट 3/2, और दूसरा भी उतना ही निकलेगा क्योंकि डी बराबर 0 है, मूल समान होंगे, माइनस रूट 3/2। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो हम उनका समीकरण दिया है 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, अर्थात एक्स का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1, सी का मान 4। तो डी बराबर माइनस डी बराबर b² माइनस 4ac। तो बी का मान हो गया हम लोग का 1, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए अर्थात 2 इंटू सी 4, एक एक कम एक, 4 2 8, 8 4 32। देखिए एक तो प्लस एक तो माइनस अर्थात घटाव करना पड़ेगा, घटाव कीजिए 32 में से 1 31, ये बड़ा है इसके आगे का चिन्ह लगेगा। अब देखिए ये 0 से छोटा, जब डी का मान 0 से छोटा होता है अर्थात ऋणात्मक निकलता है तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अतः कोई मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं
है कि भैया आपका अनुसार